हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आइए देखें, आज हम बकरे का मीट बना रहे हैं और बकरे का मीट कैसे बनाएं ये हम आपको बताएंगे। आओ देखें कैसे बनाएं, ठीक है। आइए देखें कैसे बनाएं बकरे का मीट। हम अपनी विधि से बताएंगे आपको कैसे बनाएं। आइए देखें इसके लिए सामग्री क्या क्या चाहिए। ये 2 kg मीट है बकरे का, 2 kg मीट है। और इसके लिए सामग्री हम इतना साबुत धनिया सिलबट्टे से पीसेंगे, या मिक्सर वो मिक्सर से पीस लें, और नहीं तो सिलबट्टे से पीस लें, या पिसा हुआ है तो पिसा हुआ डाल लें। और उसके लिए भी हम आपको बताएंगे। और इतना सा गरम मसाला मिर्च और लौंग है, ठीक है। इतना सा हम सिलबट्टे से पीसेंगे और इतनी सी साबुत मिर्ची है जो हम सिलबट्टे से पीसेंगे। अगर आपको मिर्ची कम पसंद है तो कम खाएं, तो थोड़ी सी डाल लें, ज़रूरी नहीं कि ज़्यादा डालें, इतनी सी डाल लें। या और कम खाते हैं तो और कम डाल कर लें, अगर तीखा खाते हैं तो और इतनी मिर्ची। वैसे सही है मेरे हिसाब से, मैं तो इतनी ही डालती हूँ, इस हिसाब से आप डाल लें, ठीक है। इतना 2 हम लहसुन डालेंगे और 4 प्याज डालेंगे, और इतना सा अदरक डालेंगे हम, इतनी अदरक डालेंगे। तो आइए देखें हम आपको बताएंगे इसकी विधि कैसे बनाएं। और सारे मसाले हम इसी तरह से पीसेंगे, आज हम सिलबट्टे से पीस रहे हैं, और इसी तरह से हम सारे मसाले सिलबट्टे से पीसेंगे, ठीक है। सारे मसाले हमने इनको पीस लिया। ये हल्दी है, मसाला है गरम, ये अदरक है, ये लाल मिर्च है, और ये धनिया है, और ये लहसुन है, और ये प्याज है। हाँ, ये प्याज हमने पीस लिया जो आपको दिखाया था अभी, ठीक है। अब आइए देखें हम कैसे बनाते हैं। अब ये गैस हमने पजाल ली, जो गैस जला ली, अब इसमें हम मीट डालेंगे। अब इस तरह से हमने इसमें कुछ नहीं डाला है, अब केवल मीट डाली है हमने, ठीक है। और इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, देखते हैं, ठीक है। अभी हम कम से कम 20 मिनट तक इसको हम पकाएंगे, यानी 1 सीटी लग जाए इसमें। 1 सीटी लगने के बाद हम इसे खोलेंगे। अब देखिए ये नमक डाल के हमने उसमें 1 सीटी मार दी है। अब 5 मिनट इसको हम थोड़ा और थोड़ा ऐसे ऐसे पकाएंगे। ये 20 मिनट हो गए, इसमें 1 सीटी मारी हमने, और 1 सीटी मार के 15 मिनट में, अब ये 5 मिनट हमने ऐसे यूं करके खोल के इनको पकाया, ठीक है। अब इसमें हम मसाला डालेंगे, आइए देखें। पहले हम तेल डालेंगे, ठीक है। 2 किलो मीट है ये, 2 किलो मीट में हम कितना तेल डालें, 1 चम्मच, बड़ा चम्मच है ये, 2 चम्मच, और ये 3 चम्मच, और 3.5 चम्मच, इतना हमें तेल डालना पड़ेगा इसमें। 3.5 चम्मच हमने तेल डाल दिया, बड़ी चम्मच है ये, बड़ा चमचा यानी चिमचा, ठीक है। और अब हम डालेंगे हल्दी जो 1.5 चम्मच है, जो 1.5 चम्मच हल्दी है ये। और अब प्याज का पेस्ट डालेंगे हम, जो आपको दिखाया ये प्याज का पेस्ट है, और ये धनिया है जो पिसा हुआ, और ये लहसुन का पेस्ट है, और ये इतनी सी जो अदरक दिखाई थी आपको वो अदरक है ये पिसी हुई पेस्ट, ठीक है।
इसको हमने सिल से पीसा है, और इतना सा ये जो गरम मसाला आपको दिखाया था साबुत, वो हमने मसाला पीसा है, तो इसमें से हम थोड़ा सा बचा लेंगे, इतना सा। बाकी सब मसाला यानी डेढ़ चम्मच मसाला है, 2 किलो में दो किलो मीट है, तो इसमें हमने 1.5 चम्मच मसाला डाला है, ठीक है, इतना सा 1.5 चम्मच। और ये लाल मिर्ची है, ये मिर्ची डालेंगे हम, यानी 2 मिर्ची जो आपको दिखाई साबुत वो हमने सब पीस ली है, यानी 1.5 चम्मच मिर्ची है। अब इसको हम मिला देते हैं, सब मिला देंगे मसाले को, सब मसाले को मिला के अब इसको हम फिर से बंद करेंगे, क्योंकि खोल के पकाएंगे तो गैस ज़्यादा खर्च होगी। अब इसको हमने बंद कर दिया, अब हम 2 सीटी मारेंगे इसमें, ठीक है। ये पानी गर्म कर लिया है मीट में देने के लिए पानी ये हमने गर्म कर लिया है, ठीक है। इतना पानी है नहीं, ये एक जग पानी है ये, ठीक है। अब इसमें हमने 2 सीटी लगा दी अभी तेल मसाला डाल के, अब इसमें वैसे ठंडा रख देंगे तब तक ये पकेगा, यानी 10 मिनट कम से कम ऐसे हम पकाएंगे, इसे 10 मिनट तक ऐसे पकाएंगे। अब इसको हमने 10-15 मिनट तक, यानी 15 मिनट तक इसको हमने खोल के पकाया है, और खोल के पका के अब देखिए इसमें कितना कलर आ रहा है, ठीक है, कितना कलर आ रहा है देखो, अच्छा भी लग रहा है देखने में, और खाने में भी बहुत अच्छा होगा, आप बना के खा के देखना, बहुत पसंद आएगा आपको, ठीक है। अब इसको हमने पानी इसका जला दिया, यानी जब तक इसको तले जब तक पानी ना इसका जल जाए। अब इसका पानी जल चुका है, अब देखिए तेल और मसाला एक हो गया, यानी अलग मसाला है अलग तेल है, ठीक है। अब इसको हम, अब फिर आपकी मर्जी है जितना तेल दें, कम दें या ज़्यादा दें, आप ज़्यादा तेल नहीं खाते हो तो थोड़ा सा डाल दें, ठीक है। अब देखिए सही से खूब तल गया, ठीक है। और इधर हमने देखिए सब तल गया सही से, अब ये तरी में भी लगने लगा और तल भी गया सही से। अब इसमें हमने जो पानी गर्म करा है वो पानी हम, अब ऐसा है कोई मीट ऐसा होता है कि जल्दी पक जाती है, कोई देर में पकती है, तो ये देखें अब इतना हमने पानी जो गर्म किया है उसको हम इसमें देंगे। इसको पानी को हमने खौला लिया है, एक जग पानी था, अगर आप सूखा खाएं तो पानी जला लें, और नहीं तो हम तो रसेदार बनाएंगे, यानी रसेदार बनाएंगे हम, तो अब हम पूरा ही एक जग पानी पूरा ही दे देंगे, ठीक है, एक जग पूरा ही पानी। अब इसमें हम अब 2 सीटी 3 और मारेंगे, कम से कम 4 सीटी, ठीक है, क्योंकि कोई कोई जल्दी पक जाता है, कोई देर में पकता है, ठीक है, कोई देर में पकता है तो कोई जल्दी पक जाता है। अब इसमें हम कम से कम 4 सीटी मारेंगे, अब इसमें हम 4 सीटी लगा दिए, ठीक है। अब पक गया है ये मीट, बहुत अच्छी तरह से पक गया है सही से, और मीट ज़्यादा नहीं पकना चाहिए और ना कम पकना चाहिए, और तभी स्वाद रहता है, अब ज़्यादा पका दो बेकार हो जाता है, और कच्चा भी रह जाए वो भी सही नहीं, तो हमने अपने हिसाब से सही बनाया है। सही से हरा धनिया डालेंगे हम इसको, और थोड़ी सी देर इसको हम रखा रहने देंगे। अब देखें ये मीट बना के मैंने तैयार कर दिया, ठीक है, मेरी बनाई हुई मीट सबको पसंद आती है, इतना अच्छा पसंद करते हैं सब लोग, और मुझे भी बहुत पसंद है, मगर इतना है मेरी बनाई हुई हाथ की सब कोई पसंद करता है, जो भी खा जाता है वो सब पसंद करते हैं, और आप भी बनाइए जैसे मैंने बताया, आप भी बनाइए और बना के खाइए, और देखिए कि कुछ लोग नहीं खाते उनके लिए तो नहीं, जो खाते उनके लिए बना के और खा के देखें,
अगर आपको मेरी बनाई हुई ये डिश मीट जो बनाई हुई पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें असटपुरिया चैनल पर। थैंक यू।